है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है बोगनवेलिया पर है। बोगनवेलिया एक बहुत खूबसूरत जो है फ्लावरिंग प्लांट है। ये बहुत से कलर में आता है, जैसे रेड, पिंक, पर्पल, वाइट, पीच कलर, ऑरेंज और भी कई कलर में आता है। इसके साथ साथ ये शेडेड कलर में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे ज़मीन और गमले दोनों जगह ही लगा सकते हैं, पर ज़मीन में हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो है बहुत अच्छे से अपने फ्लावरिंग और जो है ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है। लेकिन अगर हम बात करें गमले की, तो हम जब इसको गमले में लगाते हैं तो ये गमले में आप 12 से 14 इंच के गमले में इसको लगाएं तो ये बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ करता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि जो है हम अगर बोगनवेलिया अपने गार्डन में लगाए हुए हैं और इसकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो जो है हमें देखने में ये अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो इसी पे ही है कि जो है हम ऐसा कौन सा काम करें कि जो हमारे बोगनवेलिया में भी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग हो सके। ऐसे 4 से 5 टॉपिक हैं जो मैं आज बताऊंगी कि आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपके बोगनवेलिया में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सनलाइट की। तो आप बोगनवेलिया में जो है इस ऐसी जगह रखें जहां फुल डे की सनलाइट आपको मिले। कम से कम 6 से 7 घंटे की जो है आप इसको अच्छी धूप देंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। दूसरे नंबर पे आता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आप ऐसा दीजिए जो इसमें जो है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र हमें नहीं देना है। अगर नाइट्रोजन युक्त आप इसमें फर्टिलाइज़र देंगे तो सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां रहेंगी, इसमें फूल नहीं निकलेंगे। तो आप इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र डालें कि जो है जिससे इसमें फ्लावरिंग अधिक हो। एक बार फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद आप इसमें दोबारा फर्टिलाइज़र डालें, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। फर्टिलाइज़र में आप जो है गोबर की खाद इसमें बहुत अच्छे से डालिए और जो है NPK डाल बोगनवेलिया में यही डालती हूँ। बात कर लेते हैं प्रूनिंग की। प्रूनिंग जब भी आपका ठंडी ख़त्म हो तो आप अपने जो है इस प्लांट की जो है प्रूनिंग ज़रूर करें। प्रूनिंग करने से क्या होगा, इसमें नई ब्रांचेस, नई पत्तियाँ जो है आएंगी, तो ढेर सारी पत्तियाँ आएंगी, तो उसके साथ साथ ढेर सारे फूल भी आएंगे। तो आप जो है अपने प्लांट्स की प्रूनिंग ज़रूर करें। वाटरिंग जो है बोगनवेलिया में बहुत कम करिए। वाटरिंग करने से क्या होगा कि जो है आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, पत्तियाँ बहुत अच्छे से हरी भरी होंगी, पर इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो पानी आप तभी दीजिए जब इसका जो है मिट्टी आपको सूखी हुई लगे। अगर आपका जो है ये प्लांट ज़मीन पे लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर ये गमले में लगा हुआ है तो ये बहुत जल्दी धूप में पत्तियाँ इसकी सिकुड़ जाती हैं। तो आप जो है अपने पौधों को देख करके ही पानी डालें, अगर सिकुड़ी हुई लगे तो आप इसमें पानी डाल दीजिए। हमारा लास्ट पॉइंट है कि आप अपने बोगनवेलिया की जो डेड फ्लावरिंग है उसको आप उसको सीजर से हटा दीजिए। जितनी भी डेड फ्लावरिंग है सबको हटा दीजिए और थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो है हल्की हल्की प्रून कर दीजिए, तो नई पत्तियां निकलेंगी और नई पत्तियों के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Beautiful.